जय माता दी। दोस्तों, वर्ल्ड कप का एक और मैच, बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंड। बड़ा फर्क दिखेगा आपको दोनों टीमों में, लेकिन फर्क है नहीं। और फर्क तो जब हम फैंटेसी खेलते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे और जीएल जीतने के बीच में भी है, लेकिन फर्क है नहीं। हमने मिटा के दिखाया, अगर आपको याद हो तो, पिछले मैच में कौन से मैच, इंडिया वर्सेज अफगानिस्तान वाले मैच में 10 ड्रीम प्लेयर्स की हमने टीम बनाई और कैप्टन रहे हमारे रोहित शर्मा। और कमाल की बात यह है कि एक हमारे जो सब्सक्राइबर हैं, मैं सब्सक्राइबर कहना अच्छा नहीं लगता मुझे, हमारे जो क्रिकेटोलॉजी फैमिली के मेंबर हैं, उनकी एक ऐप पे 2 रैंक आई ग्रैंड लीग में, और दूसरे एक हैं जिनकी 72 रैंक आई ड्रीम इलेवन पे। समझ रहे हो? मतलब 72 रैंक ड्रीम इलेवन पे लाने का मतलब क्या है? तो सोचें आप, टीम किस दर्जे की होगी। खैर, टीम देखना चाहते हैं टेलीग्राम पे आ जाइएगा, वहां सब कुछ पड़ा हुआ है, पूरे स्क्रीनशॉट पड़े हुए हैं रैंकिंग के, टीम्स के, इसके उसके, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि मैं फेका, मतलब फोकटबाजी कर रहा हूं, है ना। तो खैर, मैच पे वापस आ जाते हैं। न्यूजीलैंड और बांग्लादेश का मैच, दोनों टीमों के बीच में डिफरेंस की बात कर रहा था, बहुत है। लेकिन अगर कहीं ये डिफरेंस मिट सकता है तो वो ग्राउंड है चेन्नई का। क्यों? कि जब भारत ऑस्ट्रेलिया से खेल रहा था तो यहां गज गज भर टर्न कर रहा था बॉल। अब गज गज भर टर्न करने का मतलब क्या है कि स्पिन का बोलबाला रहेगा। अब बांग्लादेश की जो स्ट्रेंथ है वो है स्पिन। इनकी जो स्पिन तिकड़ी है साकिब महदी और मेहदी की, वो न्यूजीलैंड को क्या कर सकती है, धता बता सकती है, स्पेशली जब केन विलियमसन नहीं, और केन विलियमसन के रिटर्न पे कोई कंफर्मेशन भी नहीं है कि वो इस मैच में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं। अभी भी किसी को कुछ नहीं पता वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे, तो वो मामला फिर बांग्लादेश को कहीं ना कहीं ऊपर ले आता है। हालांकि स्पिन के मामले में न्यूजीलैंड भी कमजोर नहीं पड़ रहा है। इनके पास रचिन रविंद्रा, मिचेल सेंटनर और इस सोडी के रूप में अच्छे गेंदबाज हैं, जिनको तीनों को मौका दे सकते हैं। या यहाँ पे अगर पहले बॉलिंग करने उतरे तो हो सकता है लॉकी फर्ग्यूसन को बिठा के इस सोडी को खिला लें। प्लेइंग इलेवन की चर्चा अगर मैं करूं तो बांग्लादेश ने जो प्लेइंग इलेवन पिछले 2 मैचेस में खिलाई है, उनमें मुझे एक बदलाव होता दिख रहा है कि हो सकता है जो इनके ओपनर तंजीद हसन, इनको बाहर बिठा दें, नजमुल हसन संतों के साथ ओपन करने चले जाएं, विद लिट्टन दास और ऑल्टरनेट ऑप्शंस पे काम करें। जो टॉप 15 में इनके पास अवेलेबल है उनमें से किसी को ले सकते हैं, या महमूदुल्ला रियाद को ला सकते हैं, उनसे आपको स्पिन भी मिल जाएगी और बैटिंग नीचे मिलेगी तो ऊपर आप किसी और को खिला सकते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज सॉर्टेड है। या फिर मेहदी हसन मिराज है आपके पास, उनको आप 7 भी खिला लेते हो 4 भी खिला लेते हो, ओपन भी करा लेते हो। और जब जब मैं वीडियो बनाने जाता हूँ कोई ना कोई बेचने वाला जरूर आता है, ये फिर से आ गया आलू वाला, है ना। खैर, इस कितनी सारी चीजें बिक रहा है, आलू प्याज घिया गोभी गाजर टमाटर मूली। खैर अच्छा, और उसके बाद आ जाते हैं न्यूजीलैंड के प्लेइंग 11 पे। तो न्यूजीलैंड ने जो 2 मैचेस में प्लेइंग 11 खिलाया उसमें सिर्फ ये एक बदलाव हो सकता है कि पहले बॉलिंग की सूरत में न्यूजीलैंड हो सकता है कि लॉकी फर्ग्यूसन की जगह कहीं इस सोडी की तरफ देख ले, बाकी बदलाव नहीं होगा। केन विलियमसन अगर फिट हैं आ जाते हैं तो मार्क चैपमैन को रिप्लेस कर देंगे, वरना कुछ नहीं होना। की प्लेयर्स पर अगर आप जाएंगे तो न्यूजीलैंड की तरफ से मिचेल सेंटनर, रचिन रविंद्रा और डिवोन कॉनवे, ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। मिचेल सेंटनर और डिवोन कॉनवे तो खेलते भी सीएसके के लिए, तो इस ग्राउंड को आउट एंड आउट जानते हैं, और रचिन रविंद्रा का जो करंट फॉर्म और स्किल सेट है, गेम कवर है, वो उनको इंपॉर्टेंट बना देता है। बांग्लादेश की तरफ जाओगे तो साकिब तो यार ग्रेटेस्ट है, मेहदी हसन मिराज उनके नक्शे कदम पर चल रहे हैं, और माहिदी को विकेट्स लेने की आदत है, मतलब ही पिक्स विकेट ऑलवेज, तो माहिदी हसन भी एक बढ़िया चॉइस हो सकते हैं। तो कहने का मतलब ये तीनों स्पिन है, ऑलराउंडर्स कहिएगा, ये तीनों कहिएगा स्पिनर्स हैं, ये जान है बांग्लादेश की। बात करें अगर हम फैंटेसी की तरफ जाएं, और फैंटेसी की तो पहले तो ये कि खेलना आपको विजन 11 पे, बहुत अच्छा ऐप है, बहुत शानदार ऐप है, 7-4 से खेल लो या 10-1 से खेल लो, ये आपको क्या है, वर्सेटिलिटी देती है इस ऐप पे, है ना, जैसे चाहे आपका मन करे खेल सकते हो। तो अभी जुड़ जाइएगा, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया मैंने। फैंटेसी दिखा देता हूँ टीम आपको, ज्यादा इंतजार ना कराते हुए। तो देखो, 7-4 की टीम मैंने बनाई है अभी के लिए, और इस मैच में कहीं मुझे अंदर से पूछ ही आ रहा है कि 10-1 में खेलें। क्यों खेलें, जब टीम डिस्कस करेंगे तो बताऊंगा। विकेट कीपर आपके पास लिट्टन दास है, टॉम लेथम है और है डेवन कॉनवे। लिट्टन ने अच्छी पारी खेली पिछले मैच में, टॉम लेथम हमेशा अच्छी फॉर्म में रहते हैं, बस उनको गेम कवर नहीं मिलता। डेवन कॉनवे का फॉर्म अच्छा है, 1 सेंचुरी लगा चुके हैं, चेन्नई में खेलते बहुत है, स्पिन अच्छा खेल लेते हैं, तो विकेट कीपर ज्यादा कंफ्यूज ना होते हुए सीधे सीधे डेवन कॉनवे के साथ जाते हैं, बैटिंग में आ जाते हैं।
बैटिंग की बात करें तो नजमुल हसन संतो एक बांग्लादेश की पिक, डैरल मिचेल और ग्लेन फिलिप्स। अब ग्लेन फिलिप्स की तरफ मैं क्यों देख रहा हूँ, क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि वहां से स्पिन के ऑप्शंस आने की, स्पिन के ओवर्स आने की पॉसिबिलिटी है, वो भी कब, अगर इस सोडी प्लेइंग 11 में नहीं खेलते हैं तो फिर ग्लेन फिलिप्स को पक्का कुछ ना कुछ ओवर्स आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि स्पिन को मदद भी मिलेगी, तो 4-5 ओवर का एक स्पेल ग्लेन फिलिप्स से भी आ सकता है। इस सोडी खेले तो फिर शायद फिलिप्स का उतना ना आए, तो फिर हम विलियम की तरफ देख सकते हैं, या केन विलियमसन खेलते हैं तो वहां चले जाएंगे। नीचे आ जाते हैं और डैरल मिचेल तीसरे ऑप्शन होंगे। फिर आ जाते हैं नीचे ऑलराउंडर्स में। अब देखो 7-4 में आप 4 ऑलराउंडर ले सकते हो। साकिब जरूर चाहिए आपको, आपको मिराज जरूर चाहिए यहाँ पे, क्योंकि बैटिंग भी मिराज की ऐसी पिचेस में बड़ा पॉजिटिव पॉइंट रहती है, मैं आपको बता दूं। तो मिराज हो गया, साकिब हो गया, रचिन रविंद्रा को आप छोड़ नहीं सकते, मिचेल सेंटनर को आप छोड़ नहीं सकते। तो कहने का मतलब ये कि 4 आपके हो गए। अब देखो, अब माहिदी हसन बच गए। अब यार आपका मन तो करेगा कि माहिदी को भी ले लूं यहाँ पे, है ना, तो लेकिन करें कैसे, तो इसीलिए मैं कह रहा था कि बीच में आपका मन करेगा कि 10-1 के कॉम्बिनेशन पे चलते हैं। 10-1 के कॉम्बिनेशन पे जाओगे, वहां पे माहिदी हसन मिराज को ऑलराउंडर्स में ले लोगे, या तो एक बैटर कम कर सकते हो, डैरल मिचेल कम कर सकते हो वहां पे, ऊपर से वहां माहिदी हसन आ जाएंगे, या फिर एक बॉलर कम कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे आपको राय ये दूंगा कि अगर न्यूजीलैंड पहले बैटिंग करता है तो डैरल मिचेल से छेड़छाड़ बिल्कुल ना करें, माहिदी हसन को भी रखें। अगर न्यूजीलैंड पहले बॉलिंग करता है तो डैरल मिचेल के साथ छेड़छाड़ आप कर सकते हैं, क्योंकि न्यूजीलैंड की बॉलिंग हो सकता है बांग्लादेश को बहुत रन ना बनाने दे, बैटिंग बांग्लादेश की अपेक्षाकृत कमजोर है। बॉलर्स में आ जाते हैं, तो बॉलर्स में ट्रेंट बोल्ट और मैट हेनरी आपके ऑटोमेटिक पिक हैं। तीसरा बॉलर कौन, अगर आप 7-4 पे खेल रहे हैं तो सोरीफुल इस्लाम, मुस्तफिजुर रहमान, टस्किन अहमद, ये 3 ऑप्शन है। फॉर्म वाइज सोरीफुल इस्लाम पिक बनते हैं यहाँ पे, लेकिन मैं थोड़ा मुस्तफिजुर की तरफ जाना चाह रहा हूँ, खासकर अगर बांग्लादेश पहले बॉलिंग करता है। अगर पिच थोड़ा स्लो स्लो हुआ तो मुस्तफिजुर को विकेट मिलने के चांसेस है, लेकिन वहां दूसरी बात एक ये भी आ जाती है कि मुस्तफिजुर के कुछ ओवर बाद के लिए भी बचाए जाएंगे। लेकिन फिर बात ये आ जाती है कि पिछले मैच में मुस्तफिजुर ने डेथ में तो बॉलिंग ही नहीं की, यहां करेंगे वो कोई बात नहीं है। तो मुस्तफिजुर के अगर पहले बांग्लादेश बॉलिंग करता है तो मुस्तफिजुर सोरीफुल में से कोई एक सोरीफुल भी लेके जा आप सकते हैं, और मैं तो कह रहा हूँ 10-1 पे खेल लो। मुस्तफिजुर सोरीफुल वाला कंफ्यूजन मत रखो, माहिदी हसन को डाल दो वहां पे, बात खत्म, पैसा आ गया, डैरल मिचेल को निकाल के इस सोडी को डाल देना अगर न्यूजीलैंड उनको खिलाए तो। ऐसे इस मैच की बन गई आपकी फैंटेसी टीम, ठीक है। और हाँ, टेलीग्राम पे जरूर जरूर जाना, क्योंकि इस मैच की अपडेटेड टीम किस कॉम्बिनेशन में खेलेंगे, क्या होगा, वो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा, और उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, या फिर गूगल सीधे आप टेलीग्राम पे जाके वहां सर्च कर सकते हैं क्रिकेटोलॉजी, बहुत सारे चैनल देखेंगे, अपने वाले चैनल को फिल्टर करके ढूंढ लेना, जिसका यूजर नेम है @MohitCricketologist, और क्रिकेटोलॉजी के नाम से चैनल है। फिलहाल दीजिए इजाजत, मैं तो मिलता रहूंगा आपसे हर दिन की तरह। फिलहाल टाटा बाय बाय, जय माता दी।